हरिओम। आज 29 जून दिन मंगलवार। आइए सुप्रभात। आज अभी हम आपके साथ अगले 5-7 मिनट तक बने रहेंगे और हम चर्चा करेंगे आज के राशिफल की। आपका दिन आज कैसा रहेगा हम इसकी चर्चा करेंगे, किंतु साथ ही साथ उसके पूर्व हम आज पंचांग की भी चर्चा करेंगे, जहां हम ये बताएंगे कि किस मुहूर्त में कौन से कार्य करने हैं, किस मुहूर्त में कौन से कार्य नहीं करने हैं, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। किंतु आज जिनका जन्मदिवस है, जिनके विवाह की वर्षगांठ है, उन सबों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत मंगल कामना, आशीर्वाद। और मेरे YouTube चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक आपने नहीं किया है तो, ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको निर्बाध रूप से निरंतर मिलती रहे और प्रियजनों को शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। आइए पंचांग की बात करता हूँ। तो 29 जून मंगलवार के दिन और हिंदी पंचांग के हिसाब से हमारा विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष है, पंचमी तिथि है जो कि संध्या 4:41 तक रहेगा, उसके उपरांत षष्ठी तिथि लग जाएगी। शतवी का नक्षत्र है जो कि भोर 4:57 तक रहेगा, तदुपरांत पूर्वा भाद्र नक्षत्र लगना है। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और आज के दिन की शोभा बढ़ा रहे की महत्ता बढ़ा रहे हैं रवि योग। रवि योग के कारण आज का दिन और भी ज्यादा शुभ हो जाता है। और चर्चा करेंगे अभिजीत मुहूर्त, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह जानना आवश्यक है कि अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत किया गया कोई भी शुभ कार्य या यात्रा का प्रारंभ यह चीर काल तक मधुर और सकारात्मक फल देने वाला होता है, जो आज 11:56 से 12:52 तक रहेगा। ठीक इसके विपरीत राहुकाल, राहु काल भी जानना आवश्यक है कि राहु काल के अंतर्गत किया गया कोई भी शुभ कार्य या यात्रा का प्रारंभ या शुभ फलदायी नहीं होता है, जो 3:45 अपराह्न तक रहेगा। यह 1.5 घंटे का कालखंड प्रतिदिन मिलता है, इसमें कोई शुभ कार्य वर्जित होते हैं। यात्रा की बात कर ली जाए तो उत्तर और वायव्य दिशा की यात्रा आज करना निषेध है, नहीं जाना है। किंतु यदि बहुत आवश्यक हो, यदि यह टालना संभव नहीं है इस यात्रा को, तो आपके रसोई में गुड़ है, थोड़ी सी गुड़ ये एक डली ग्रहण करें, हनुमान जी महाराज के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित कर यात्रा का प्रारंभ करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आइए बिना विलंब किए अब चलता हूँ आपके राशिफल। बारह राशि की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए कई प्रकार के विशेष रूप से आज लाभ प्राप्त होने वाले, कई दिशाओं में कई लाभ प्राप्त होंगे आपको, लाभ ही लाभ होना है ना। जो कुछ पहले से भी कुछ थे कार्य, आज भी जो करेंगे सारे में लाभ होगा। जबकि वृषभ राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति की प्रबल आशा है, निश्चित लाभ होंगे। और वैसे जातक जो नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें भी शुभ समाचार जल्द ही मिलने वाला है, तो आपको भी नौकरी आपकी पक्की समझें, बस आप अपने कार्य करते जाएं। आइए मिथुन राशि की चर्चा करूं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष उन्नति है। आध्यात्मिक उन्नति के कारण एक योगी, एक तपस्वी सारा जीवन समर्पित कर देता है, तब जाकर आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। और आज आपको आध्यात्मिक उन्नति के बहुत विशेष योग मिल रहे हैं, लग जाए और गुरु महाराज को स्मरण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके करें, क्योंकि यही तो मोक्ष का साधन है, इसी मार्ग से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। कर्क राशि, प्राण शक्ति का संचार होगा कर्क राशि वालों को, प्राण शक्ति का संचार, आयुष्य वृद्धि जो बहुत ही विशेष रूप से है, तभी आप कोई कार्य कर पाते हैं। सिंह राशि की चर्चा की जाए तो बताऊं कि आपके जो दैनिक व्यवसाय है, व्यवसाय में विशेष लाभ मिलने वाला है, विशेष उन्नति होने वाली है, इसे न चुके, इसका लाभ उठा ले। कन्या राशि वाले प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि आपके जो शत्रु, जिनके कारण आप थोड़े परेशान चल रहे थे, वो शत्रु से संधि होगी, वो शरणागत हो सकता है, शत्रुता समाप्त हुई और आप आगे आपका मार्ग, विकास का मार्ग और खुल जाता है और करेंगे। तुला राशि वाले की बात करूं तो संतान पक्ष की विशेष उन्नति, आपके भाग्य से
आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपके संतान को विशेष लाभ मिलने वाला है और खूब उन्नति करें, उन्हें भी बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामना। आइए वृश्चिक राशि की चर्चा करूं तो वृश्चिक राशि वालों को मकान जमीन से संबंधित लाभ होने वाले, नए फ्लैट भी हो सकता है कि आप बुक कर ले, ऐसे योग बन रहे। यदि जमीन लिया हुआ है तो मकान बनने के तुरंत योग अब आपके तैयार है, तैयारी कर ले, बस वहां आपको नींव डालनी है, ऐसा भी हो सकता है। और जो बना चुके हैं हो सकता है कि और एक्सटेंशन का काम उन्हें करना पड़े। धनुराशि, धनुराशि वालों को भाइयों के साथ और प्रेम बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात। एकाकी जीवन सा होता जा रहा है मनुष्य का आजकल जो जीवन शैली है, तो भाइयों के साथ प्रेम बढ़े और पूरे परिवार की उन्नति का साधन भी यही है। मकर राशि वालों को बताऊं कि धन की विशेष रूप से कुछ लाभ होना चाहिए, आकस्मिक कुछ पड़े, कुछ विशेष लाभ होने वाले हैं। शायद आपने भी योजना नहीं बना रखी हो, आपको ध्यान नहीं हो और अचानक कुछ बड़ा लाभ होने वाला है, तो इसकी भी शुभकामना। और कुंभ राशि वालों को बताऊं, राजयोग की तरह दिन व्यतीत होगा, सारा दिन आज सारी चीज जिधर देखिए भगवान की कृपा से आज सारे आपको सकारात्मक सकारात्मक दिख रहा है और खूब आनंद के साथ सारे कार्य संपन्न होते हुए सब शुभ शुभ आज व्यतीत होगा। अंतिम राशि मीन राशि, शुभ कार्य के पीछे आपके धन व्यय होने वाले हैं, बहुत अच्छी बात। धन तो व्यय होने के लिए है और वो शुभ कार्य के पीछे हो, ऐसा होना भी चाहिए। यही पुरुषार्थ से कमाया गया धन और शुभ कार्य में किए गए खर्च यही उचित होते हैं। तो ये पारावरोसी की चर्चा हो गई और कल पुनः फिर किसी अन्य वीडियो या कल की राशि के साथ पुनः मुलाकात होगी। और जाने के पूर्व स्मरण कराऊं कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें और शेयर तो आप करेंगे। तो लेता हूं विदा, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक आप मुस्कुराते रहें, ऊर्जावान रहें। हरिओम तत्सत।